प्री मानसून की बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों से मौसम का तापमान बढ़ा हुआ था, जिसके चलते लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। दिन के समय तेज धूप होने के कारण लोगों के पसीने छूट रहे थे और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे जल और फलों का सहारा लेना पड़ रहा था। वीरवार की सुबह प्री मानसून की हल्की बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह के समय हल्की बारिश हुई, जिसमें मौसम थोड़ा ठंडा और खुशनुमा हो गया। लोगों ने इस खुशनुमा मौसम का आनंद लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्री मानसून की बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और बारिश किसानों व बागवानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। जल संरक्षण करने की बातें और सूखते जल स्रोतों का रोना तो हर कोई रोता है, लेकिन जब प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की बात आती है तो हर कोई अपना पल्ला झाड़ लेता है और आंखें मूंद कर बैठ जाता है, जिसके चलते प्राकृतिक स्रोत दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं। जल संरक्षण की बातें और सूखते जल स्रोतों को संवारने के लिए दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। इंदौरा बस अड्डे के पास तालाब के पानी का प्रयोग लोग कपड़े धोने और पशुओं के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये स्थानीय लोगों के लिए डंपिंग साइट बनकर रह गया है। तालाब के पानी में कूड़े का जहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस तालाब में हर रोज लोग कूड़ा फेंक रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, इस कारण ये सुगड़ता भी जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी समय से तालाब में गंदगी फैली हुई है। तालाब के पानी को जानवर पीते हैं और गंदगी की वजह से जानवर भी अब पानी नहीं पी रहे हैं। लोग तालाब में शीशे, पत्थर इत्यादि डाल देते हैं। इस तालाब को या तो पूरी तरह बंद कर देना चाहिए या फिर इसे सही ढंग से साफ करना चाहिए। लोगों का कहना है कि तालाब में कूड़ा करकट फेंकने पर भी मनाही होनी चाहिए और जो कोई फेंकता है उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के अलावा दुकानदार भी अगर कोई तालाब में गंदगी डालता है तो इसके खिलाफ पंचायत व प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और तालाब की निशानदेही कर कब्जाधारियों को यहाँ से तुरंत बाहर भगाए। केंद्र सरकार कल आम बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। ये इतिहास में पहली बार है कि महिला वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने जा रही है। दोबारा सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार पहली बार बजट पेश करने जा रही है, इसलिए इस बजट से भारतवासियों को काफी उम्मीदें हैं। सोलन शहर के व्यापारियों को भी बड़ी आस है कि उन्हें इस बजट से कुछ राहत मिलेगी। व्यापारियों ने बजट को लेकर अपने विचार रखे और बताया कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद उनका व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो चुका है। दूसरी ओर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए सरकार को चाहिए कि वे खाद्य सामग्री, गैस, पेट्रोल और डीजल के रेट कम करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि मझोले व्यापारियों को भी टैक्स में कुछ राहत मिलनी चाहिए। वही उन्होंने मांग की कि संतुलन बनाने के लिए लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले अधिकारियों और नेताओं पर अधिक टैक्स स्लैब लगाई जानी चाहिए और आम जनता को थोड़ी राहत दी जानी चाहिए। बजट से पूर्व संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। आने वाले समय में आर्थिक विकास दर 8% पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बारे में लोगों की राय जानने की प्रयास किया गया। लोगों का कहना है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, खासकर लघु उद्योगों को, जहां से रोजगार की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं, ताकि घर द्वार पर लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ की जा सके। लोगों का कहना है कि फिजूल खर्ची में कटौती होनी चाहिए और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। छोटे उद्योगों के लिए ऋण व्यवस्था भी सरल होनी चाहिए ताकि आम जनता तक ये पहुंच सके। रामपुर के व्यवसायी महेंद्र का कहना है कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसके हिसाब से वर्तमान में आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.8 है, जिसको 8% पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सरकार को काफी बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम को और सरल करना होगा, जिस तरह से पूर्व में कही गई थी, दो तरह की होनी चाहिए ताकि छोटे व्यापारी भी तनाव मुक्त होकर आसानी से व्यापार कर सकें।
वहीं कुलदीप कुमार का कहना है कि बेरोजगारी और संपन्नता के लिए औद्योगिकीकरण करना जरूरी है। अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सिस्टम को और सरल बनाना होगा ताकि उद्योग आसानी से स्थापित हो सके, जिससे रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वहीं हस्तकर्घ कारोबार से जुड़े सुंदर मोहन का कहना है कि छोटे उद्योगों को चलाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से MSME स्कीम से लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, छोटे उद्योग जो व्यक्ति चालू करता है उसे इस योजना में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें छोटे व्यवसायी को या छोटे उद्यमियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंक जो सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है उस सब्सिडी को अपने पास फिक्स करता है, उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है, जबकि अन्य राशियों पर ब्याज अधिक दिया जाता है। श्यामलाल गुप्ता का कहना है कि जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो काबिले तारीफ है और भविष्य में आर्थिक सुधार के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। इससे आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि दर 8% पहुँचेगी। बजट से पहले सरकार द्वारा आज जो है आर्थिक बजट का जो शुरुआत आज की है वो बड़ी सकारात्मक रही है, और जिसमें मुझे पूरी आशा है कि सरकार के द्वारा जो बजट पे आज ये बजट से पहले जो पेश हुआ है इसमें ये अच्छा रहेगा, और इसमें पूरे सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, और मुझे पूर्ण आशा है कि जो ये हमारी GDP की जो ग्रोथ रेट है ये 8% तक जरूर पहुंचेगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है।